हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर 3 करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो डाल दिए हैं, तो आपने नहीं देखे तो आप विजिट कर सकते हो चैनल पे और जाके देख सकते हो, ठीक है। आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, चैप्टर 3, जिसमें आज हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस को, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, फिर वी विल सी द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस एंड देन डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम परस्पेक्टिव से भी, एंड देन वी विल सी द कंक्लूजन, और यू कैन सी द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर फॉर द योर एग्जाम एंड फॉर द राइटिंग पार्ट। क्योंकि देखो इसमें होगा क्या कि आपको जो डेटा पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे से, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो लास्ट, अब से मैं क्या करने वाला हूँ, हर चैप्टर के एंड में सभी के सभी जो डेटा पॉइंट्स हैं और जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो पॉइंट वाइज मैं लिख दूंगा, ताकि उसको आप ये या लोग याद कर सकते हो, ठीक है। और देन मैं पूरा स्टोरी तो आपको बता ही रहा हूँ कि क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या चीज़ें चली हैं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो एट द एंड उसको भी हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगेन वी विल स्टार्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग देखते हैं कि क्या इन्होंने कर रखा है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। और तो यहाँ पे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल डेफिसिट से। सो इफ़ यू सी द इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। तो वो कैसे, एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये रहा डेटा फिजिकल डेफिसिट का, ये ब्लू लाइन जो है फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट कर रही है। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक फिजिकल डेफिसिट 9.2 था, है ना। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से ये बहुत अधिक हो गया था, और इसका रीजन सिंपली एक ही था, पेंडेमिक, है ना। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक फिजिकल डेफिसिट हाई था, क्यों, और ऐसे फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दे रखी है कि अगर गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर, जो है एक्सपेंडिचर, अगर वो हाई हो इनकम से, इनकम मतलब रेवेन्यू, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जितना हो उससे उसका एक्सपेंडिचर हाई हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है कि नॉन डेट रिसिप्ट्स टू मीट द एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट इज मेड बाय बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक्चुअली क्या करेगी गवर्नमेंट, जब उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो वो बोरो करेगी, और जब भी वो बोरो करेगी कहीं से मनी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को तो बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट देखा जाए तो 2021 में हाई था, उसके बाद ये फॉल हुआ है, और यहाँ पे 2023 में 6.4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ द फॉलिंग दिस, यू नो, फिजिकल डेफिसिट क्यों फॉल हो रहा है। तो उसके रीजंस ऐसे हैं कि केयरफुल फिजिकल मैनेजमेंट, है ना, पहले तो बहुत सावधानी से खर्च किए गए हैं, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया, ऐसे ही बैठे पैसे नहीं बांटे गए, है ना, जो भी किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया है। एंड देन नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है पास्ट 2 ईयर में। उसका रीजन क्या है, इकोनॉमी हमारी ग्रो की है, और ग्रो करने की वजह से लोगों ने टैक्सेस, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, लोगों ने टैक्सेस पे किए हैं, जिसके वजह से जीएसटी का भी आपने न्यूज सुना ही होगा कि जीएसटी का ग्रोथ, जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा आया है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो वो बोरो कम करेगी, तो उसका फाइनेंस फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, कम होगा ना। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नॉन डेट रिसिप्ट, ठीक है। तो नॉन डेट रिसिप्ट में क्या क्या आ जाता है, तो अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट जो टैक्स और नॉन टैक्स हो, एंड नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये बातें आती हैं। अब इनमें इनमें भी देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ थी FY22 में, है ना, और ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में देखा जाए तो उसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है 15.5% की, है ना, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022। और नेट नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जब गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर कर देती है स्टेट को, ठीक है, तो उसके बाद 7.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली डायरेक्ट टैक्सेस में भी, जो कि उसमें ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है रजिस्टर्ड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 26% फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022, एंड दैट एनेबल बाय द कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस, है ना, उसमें ग्रोथ हुई है। अगेन जीएसटी की बात करें तो ये रही जीएसटी, जीएसटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जीएसटी का कलेक्शन जो है वो 13.40 लाख करोड़ था फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022, और इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है 24.8% की है। सो अफकोर्स ये डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप जीएसटी के बारे में कोई भी बातें एक्सप्लेन कर रहे हो, सो अगेन यू कैन राइट दिस डेटा, यू कैन यूज दिस डेटा। तो ये बातें जो है ना आपको लास्ट इस पीपीटी के लास्ट स्लाइड पे मिलेगी, जहाँ पे आपको
जो भी पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको वहां पे बता दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाइक, बट ऐसा हुआ क्यों, ऐसा ग्रोथ क्यों हुई? ऑफकोर्स वन रीजन इज कि हमारी इकोनॉमी ग्रो की थोड़ा, है ना, बट अदर्स रीजन भी हैं जिसमें है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैव लेड टू ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड हेंस द एक्सपांडेड द टैक्स नेट। एक्चुअली ऑफकोर्स जब भी डिजिटलाइजेशन होगा इकोनॉमी का तो उससे क्या होगा, जो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, वो वैलिड होंगे उनके पास, तो इसलिए हम लोगों को जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। दैट्स व्हाई दिस आर द रीजन। और यहाँ पे अलग रीजन भी दिए गए हैं जैसे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेजर्स सच एज द फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, सिंप्लीफिकेशन टू रिटर्न फाइलिंग, असिस्टेंट टू टैक्स पेयर इन द गेटिंग फेमिलियर एंड द सिस्टम दैट जनरेट द ई बिल्स अंडर द जीएसटी सिस्टम, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट अमंग द अदर्स, ठीक है, हैव नर्ज द हायर टैक्सेस, ठीक है। तो इन सब का छोटे छोटे यूज करके एक्चुअली हमारी जो टैक्स है वो अच्छा ग्रो कर रहा है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कस्टम एंड द एक्साइज ड्यूटी एक्ट एज अ फ्लेक्सी फिजिकल पॉलिसी टूल। तो इसको क्यों फ्लेक्सिबल फिजिकल पॉलिसी बोला जा रहा है या फ्लेक्सी, उसका रीजन ये है कि जब जब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जब पेंडेमिक था तो इन दोनों की कलेक्शन बहुत ही कम था, ठीक है, तो उस वक्त हुआ था क्या, जो ग्लोबल ऑयल प्राइजेस थी वो कम थी, ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्सेस, जो कस्टम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। तो एक समय में एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज की जब जब पेंडेमिक का और रिसेशन का माहौल था उस समय, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम होने वाले थे, और जब इन्फ्लेशन आया, ठीक है, इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आया आफ्टर आफ्टर सम टाइम ऑफ द पेंडेमिक एंड अगेन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब इन्फ्लेशन आया, है ना, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने उस समय एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो कम कर दी, है ना, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल है कि जब जरूरत के हिसाब से रंग ढंग बदल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है कैपिटल कैपेक्स लेफ्ट ग्रोथ ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट एंड द मैनेज डेट लेवल। सो ये डेट लेवल कैसे मैनेज कर रहा है ये तो हम लोग जब डेट प्रोफाइल पढ़ेंगे ना तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे ग्रोथ करेगा तो ऑफकोर्स ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है सब्सिडी पे, लोगों को कैश ट्रांसफर करती है, फिर पेमेंट करती है एम्प्लॉयमेंट पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं उनको पेमेंट करती है, ठीक है, तो वो सब भी एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं क्योंकि वो कोई कैपिटल नहीं जनरेट कर रहे हैं। कैपिटल दैट मीन्स व्हाट, दैट जैसे रोड हुआ, हाईवे हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में इम्पेक्ट करे ग्रोथ को, वो सब किसके अंदर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये क्यों लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को सस्टेन करता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एग्रीगेट डिमांड और क्राउड इन द प्राइवेट स्पेंडिंग ऑल्सो। जैसे होता क्या, अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है ना, तो होगा क्या कि जो प्राइवेट एंटिटी है वो भी आके, जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो उसके आसपास आप लोग देखते हो उसके पास आसपास जो इन्वेस्टमेंट करती है वो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहाँ से बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट्स ले लो तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अगर क्योंकि जो प्राइवेट है वो पूरा रोड नहीं बना सकते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े वर्क नहीं कर सकते, बट वो छोटी मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बड़ा काम कौन कर सकता है, गवर्नमेंट। तो जो भी बड़ी जो भी काम की चीज़ें है ना वो पहले प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर एंटर होगा और वो फिर उससे ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है ना। इसी का मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के पास मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना। नाउ also it also enhance the long term supply side productivity which with the earlier sign of the rebound in the private sector investment in the recent month capital expenditure has a play its role. So dekho private sector ki jo investment hai wo increase hui hai na, and isliye jo enhance capex from the all direction the center announced several incentive to boost the state capital expenditure in form of the long term interest फी लोन्स एंड द कैपेस लिंक्स एडिशनल बोरिंग प्रोविजन्स। सो इस पॉइंट को पूरा हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट जब हम लोग डेट प्रोफाइल को समझेंगे ना उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी तो हम लोग ने बात कर ली गवर्नमेंट के टैक्सेस के, ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर ऑन द कैपेक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल एक्सपेंडिचर जो है यूनियन गवर्नमेंट का है ना वो राइज हुआ है 70.7% ऑफ देयर जीडीपी, हायर देन द प्रीवियस 5 ईयर ऑफ द एवरेज। एवरेज क्या है, पिछले 5 साल का 12.8 है और ये जो है 17.7 है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो ऐसे तरीके से 2.2%, 2.5 एंड 2.9, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
नाउ द दे आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कैसे, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज की थी कि पहले तो इन्होंने ये उस समय की बात है ड्यूरिंग द पेंडेमिक कि पहले इन्होंने बेसिक नेसेसिटी जो सेफ्टी नेट है वनरेबल सेक्टर वनरेबल पीपल को प्रोवाइड किया, जैसे कि कैश ट्रांसफर, फूड फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मनरेगा से इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एंड देन एम्फेसिस ऑफ द गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्टिव डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले इन्होंने बेसिक जो बोलते हैं ना कैश ट्रांसफर और इन सबसे एक्चुअली लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो नहीं होती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप इकोनॉमी को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इनिशियल जो 2021 में और 2022 के इनिशियल में जो एक्सपेंडिचर किए गए थे वो रिगार्डिंग इसी सब के थे कि लोगों को पहले हेल्थ फ्री में प्रोवाइड करो, पहले जो जरूरी था उस समय पेंडेमिक के टाइम पे। बट बाद में गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ाया, जो कि आप देख सकते हैं FY 2021 में तो कितना था, 22.2% था, उसके बाद देखो क्या ग्रोथ हुई है, ठीक है 22.9% ऑफ द GDP, ठीक है। तो नाउ अगर अब हम लोग स्टेट की गवर्नमेंट की फाइनेंस की बात करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस अगेन दे ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड ड्यू टू पेंडेमिक एंड द कम्बाइंड ग्रोस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट विच इंक्रीज 4.1% ऑफ द GDP इन द पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर, एंड बाद में इसको ये कम आ गया 2.8% हो गया FY 2022 में, ठीक है। नाउ गिवन दिस जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड कंसोलिडेटेड ग्रोस फिजिकल डेफिसिट GDP रेशियो फॉर द स्टेट हैव बीन बजट 3.4% इन द FY 2023, ठीक है। नाउ द कॉर्पोरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म ड्राइव्स वेल टारगेटेड फिजिकल पॉलिसी। सो जिनको नहीं पता हो व्हाट इज द कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, इज अ टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन विच द फेडरल और यू कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आप सभी नंबर्स में देखोगे तो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट एक्चुअली इंक्रीज हुए हैं, है ना, और ये नंबर्स लाख करोड़ के अंदर हैं। सो इनहेंस लिमिट ऑफ द बोरोइंग फॉर द स्टेट एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म। सो एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन थ्रेशोल्ड होता है उसके ऊपर लोगों को स्टेट को जो है ना बोरोइंग करने का मौका दिया, जिसमें एडिशनल बोरोइंग जो थी वो एक्चुअली रिफॉर्म के बेसिस पे थे, क्योंकि जो एडिशनल बोरोइंग दे रहे थे गवर्नमेंट है ना उसमें क्या कर रहे थे, वो कंडीशन ये थी कि जो जो ये जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड और ऐसे इजी डूइंग ऑफ बिजनेस जो रिफॉर्म है ना जो अप्लाई करेगा उनको ये मिलेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये जो तीनों रिफॉर्म्स हैं है ना, इनको जो अपने स्टेट में रिफॉर्म इंप्लीमेंट करेगा उसको गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल बोरोइंग प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। सो एक्चुअली आप देखो तो 17 स्टेट ने वन रेशन वन कार्ड कार्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, 20 स्टेट ने रिफॉर्म इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का किया, एंड 11 स्टेट ने लोकल बॉडी रिफॉर्म्स किए, 17 स्टेट ने पावर सेक्टर का रिफॉर्म किया। सिमिलरली फाइनेंशियल 22 में 16 स्टेट ने क्या किया, एडिशनल बोरोइंग अप टू मीटिंग टू कैपेक्स टारगेट। तो कैपेक्स टारगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसको एडिशनल बोरोइंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, ठीक है। नाउ सेंटर ऑल्सो सपोर्टेड टू स्टेट इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 50 ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट फी लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें 50 साल तक का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, और उस स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 21 में 11,830 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 22 में 14,186 करोड़ रुपये दिए स्टेट्स को, ठीक है। अब देखो ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रिसोर्स इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज सी ये तो गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया वो तो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जब भी पेंडेमिक में इनको भी जैसे इनका भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया ही है ना, और RBI का क्या कहना है कि RBI अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में म्यूनिसिपल फाइनेंस रिपोर्ट में RBI ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया की जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है ये मच लोअर है देन द OECD कंट्रीज से अगर कंपेयर करो आप तो, ठीक है। सो ये बताते हैं कि देर इज यू नो लार्ज स्केल रिफॉर्म की जरूरत है जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन में इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, केरला, असम, UT, पांडुचेरी हैव कंसिडर द रिवाइजिंग द पावर टैरिफ ड्यूरिंग द FY 2023। तो इन लोगों ने पावर टैरिफ जो है ना उसमें रिवाइज किया। सिमिलरली उत्तर प्रदेश ने क्या किया, न्यू लिक्वर पॉलिसी वेयर दे इंक्रीज द लाइसेंस फी, है ना। तो ऐसे कर करके सभी जो स्टेट हैं वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाए जिससे वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके।
है, डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेट प्रोफाइल की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी सबसे बड़ा कंसर्न है डेट का, है ना। आप बहुत सारी कंट्री देखोगे जहाँ पे कंट्री का कोलैप्स कर रही है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ द डेट, है ना। बट इंडिया का अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेके 2020 तक जो डेट था वो बिलो 50 और अबव 45, इसी के बीच, इस रेंज के बीच में था, ठीक है। बट आफ्टर द पेंडेमिक जैसे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये भी डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया, वो हो गया 59.2% और 56.7% रहा FY22 में, ठीक है। सो अगेन, बट देखना है कि अगर लेट्स सी कि ये मतलब ये जो डेट है वो कैसा है, इसको स्टेबल आप कहोगे कि इंडिया इसको संभाल सकता है या नहीं। तो एक्चुअली हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर यावे रेड्डी, उन्होंने कहा था कि सिंस द इंडिया मोस्ट पब्लिक डेट इज हेल्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड डोमिनेटेड इन द डोमेस्टिक करेंसी, सो आई वुड देयरफॉर बी लेस डॉगमेटिक ऑन द फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट नंबर्स एंड मोर एम्पैथिक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो नाइन हमारा टोटल जो डेट है उसमें से 95.1% जो है वो हमारे डोमेस्टिक करेंसी में है, वेयर द सॉवरन एक्सटर्नल डेट जो है वो 4.5% 4.9% है, और दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज द लो करेंसी रिस्क, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमारा जो डेट है वो क्यों सस्टेनेबल है, उसके पीछे दूसरा इन्होंने रीजन दिया है कि जो अगर ग्रोथ, जैसे आपने कोई डेट लिया और उसको आपने उस कैपिटल को कैपिटल में लगा दिया या कोई इन्वेस्टमेंट कहीं किया, उस इन्वेस्टमेंट से जो है रिटर्न जो है आपका रिटर्न अगर वो हाई है रिटर्न, या हाँ, और वो समझ लो उसका ग्रोथ अगर हाई है जो जिस रेट पे आपको वो डेट पे करना है, तो वो डेट कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा। लाइक पॉजिटिव ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आप ग्रोथ मतलब डेट ले रहे हो तो उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, आपको जो पेमेंट करना होगा, तो जैसे उसको आई दे देते हैं नाम, और जो भी आप ग्रोथ करोगे अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ऐसे जो भी डेट होंगे ना वो क्या होंगे, सस्टेनेबल होंगे, ठीक है। और इंडिया के केस में क्यों ये सस्टेनेबल है, बिकॉज वन रीजन इज कि अभी तक का जो हमारा जो एम्फेसिस ऑन द, हम लोग जो भी अभी प्रीवियस हमारा जो भी डेट रहा है ना, हमेशा हमने देखा है कि डिफरेंस हैज यू नो हिस्टोरिकली पॉजिटिव फॉर द इंडिया बिटवीन दिस ग्रोथ एंड द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और अभी इंडिया अपकमिंग ईयर में पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी जो हम लोग ने एक्सपेंडिचर किस में मोस्ट ऑफ किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे होगा क्या, कंजम्पशन में भी बूस्ट मिलेगा, प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ इन द मीडियम टर्म हायर ही रहने वाली है, जो कि जिससे हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और फ्रॉम दिस ऑल द यू नो रीजन यू कैन से दैट हम लोग हमारा जो ये ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है और हायर भी रहेगी जिस पे भी इंटरेस्ट रेट पे हमें पे करना है, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया के केस में हमारा जो डेट है वो सस्टेनेबल है, दिस आर द रीजन। ओके, नाउ अगर हम कंपेयर करें जनरल गवर्नमेंट डेट टू द जीडीपी रेशियो फ्रॉम 2005 टू विथ 2021, तो इंडिया के केस में 2005 के अंदर कितना था, ये रोड रेड डॉट जो है ना 2005 शो कर रहा है, तो 2005 के अंदर 81% था, और अभी कितना है 2021 के अंदर 84, सो आप देख सकते हो कितना कम है, ठीक है, बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ है ना इंडिया के केस में डेट। और आप अदर्स कंट्री के में देखो तो कितना है, जापान के अंदर देखो कितना इंक्रीज हुआ है, फिर यूएस में भी है ना, तो इन सब में देखो गैप कितना है, बिकॉज इनमें जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2005 टू 2021, बट इंडिया जर्मनी इंडोनेशिया इन कंट्रियों में डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसलिए भी आप देख सकते हो इंडिया की कंपेयर कर सकते हो अदर्स कंट्रीज के साथ जो डेट की कंडीशंस है। नाउ दिस इज द स्लाइड जिसमें आपको जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ग्रोथ टैक्स का ईयर ऑन ईयर जितना भी रेवेन्यू है, ठीक है, परसेंट क्या ग्रोथ रही हुई है ना, जीएसटी के बाद जीएसटी का जो भी रेवेन्यू है और जो ग्रोथ है, ठीक है, फिर रीजन्स की हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा वर्क किया है, और फिर कैसे कैपिटल जो है उससे जो ग्रोथ आएगी उससे ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट का यू नो डिफरेंस पॉजिटिव होगा और दैट लीड्स टू सस्टेनेबल डेट ऑफ द जीडीपी, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखो, ठीक है, इस स्लाइड से, और बस।